हेलो, मैं निकुम सर आपका स्वागत करता हूँ अपना चैनल पे। अब सेंट्रल और स्टेट हर कोई जाओगे अपना। तो बीआरसी ईसी एग्जाम खत्म हो चुका है, ठीक है। 14 to 18 में था, तो उसके रिगार्डिंग मैं आपसे इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ कि क्या कट ऑफ था, क्या एग्जाम लेवल था, ठीक है। ये सभी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। फर्स्ट थिंग, जो मैंने आपको पहले स्ट्रेटजी वीडियो बनाया था बीआरसी ईसी का, तो उसमें से लगभग 90% से ज्यादा पेपर का पैटर्न रिपीट हुआ है, जो जैसा मैंने आपको बताया था, पैटर्न भी और लेवल भी, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है। और जो स्टूडेंट्स मेरे अंडर गाइडेंस थे, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है मुझे, क्योंकि ऑलरेडी मैंने उनको बताया था, माइंडसेट उनका सेट था, ठीक है। तो ऑब्वियसली वो एक्सपेक्टेड था मुझे उनसे, और एग्जाम का लेवल भी एक्सपेक्टेड था मुझे, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन था एग्जाम का लेवल से, वो अभी थोड़ा और मतलब इंक्रीज कर दिए उन्होंने, ठीक है। तो हार्डनेस लेवल भी बढ़ गया एग्जाम का, बीआरसी का, और वो ऑब्वियस भी है, ठीक है। ओके, जो अभी तक रिव्यू है मेरे पास, वो देखिए, उसके हिसाब से फर्स्ट डे तो था बीआरसी का, मतलब मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट पकड़ के, तो वो मॉडरेट था, ठीक है। क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने क्या किया है, 70 के अबव इधर अटेम्प्ट किया है। सेकेंड डे था वो हार्ड था, क्योंकि लगभग 50 to 60 अटेम्प्ट इधर हुए है, ठीक है। ज्यादा उससे अटेम्प्ट हुए नहीं है, क्योंकि ये बहुत लेंथी पेपर था, जितने की मैं रिव्यू है मुझसे, ठीक है। थर्ड डे जो है वो भी मॉडरेट था, उसमें भी अच्छे मतलब 60 to 65 अटेम्प्ट मॉडरेट हुए हैं लोगों के, ठीक है। तो ये आपका बेस्ड ऑन रिव्यूज डे वाइज आपका ये था लेवल था एग्जाम का। ओके, तो सबसे इम्पोर्टेंट अभी कट ऑफ देख देखते हैं कि एस्टिमेशन कट ऑफ क्या है। कि अगर आपने 52 to 58 क्वेश्चंस अच्छे से किए हैं, ठीक है, विद 100% एक्यूरेसी, तो आपको इंटरव्यू कॉल आ जाएगा। अगर आप 52 के लेस आ रहे हैं आपके मार्क्स, तो ऑब्वियसली नहीं आएगा। 52 मतलब आप पकड़ लो कि 156 मार्क्स टू 164 मार्क्स, ठीक है। तो इतना आपका कट ऑफ जाने वाला है बीआरसी ईसी का 2020 का, ये आपको ध्यान रखना है। अभी जिन लोगों ने मतलब अच्छा परफॉर्मेंस दिया, फिर भी उनसे नहीं हुआ, क्योंकि ऑलरेडी मतलब उनका स्पीड कम था, ठीक है, कंसेप्चुअली क्लैरिटी इतना नहीं था, तो बीआरसी का अपॉर्चुनिटी उनका गया है अभी। अभी ऑब्वियसली उनका गेट का भी गया है, और बीआरसी का भी गया है, तो वो अभी क्या कर सकते हैं। देखिए, आपके पास है अभी वीजा स्टील का एग्जाम, अगर आपने फॉर्म भरा होगा तो वो 4 वैकेंसीज है इसी के लिए, सॉरी 10 वैकेंसीज है इसी के लिए, ठीक है। एक एनएलसी का आया है, उसका वीडियो मैंने डाला था रिक्रूटमेंट का, वो आप चेक कर सकते हैं चैनल पे जाके, और स्ट्रेटजी वीडियो भी उसका आने वाला है, तो वो आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म उसका चालू हो गया है 18 मार्च से, ठीक है। तो ये आपके पास अच्छा मौका है, और 10 वैकेंसीज है इसी के लिए। एनआईसी एक है, ठीक है, नीलेट और एनआईसी, तो ये इसका फॉर्म भी आप भर सकते हो। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, कंप्यूटर साइंस का सिलेबस है, तो आपको फुली डेडिकेटेड कंप्यूटर साइंस का पढ़ना पड़ेगा। एग्जाम इसका 2 से 4 महीने में हो जाएगा, ठीक है। और अदर नॉन टेक जॉब्स है, देखिए अभी ये क्या है, इधर आपको नॉन टेक पोर्शन तो दोनों में करना ही है, मतलब अभी ऑब्वियसली गेट और बीआरसी छोड़ के जितने भी एग्जाम होते हैं वो सब नॉन टेक और टेक होते हैं, ठीक है। तो अभी आप नॉन टेक तो पढ़ने वाले हो, तो अभी आप नॉन टेक जॉब्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि एसएससी हुआ, जैसे कि सीजीएल है, सीएचएसएल है, ठीक है। अभी आरआरबी एनटीपीसी का भी आपने भरा होगा फॉर्म, तो वो भी शायद से जून जुलाई में होगा, तो ऐसे में अपॉर्चुनिटी है आपके पास। बाकी टेक्निकल अपॉर्चुनिटी आपकी अभी गेट थी और बीएससी थी, वो अभी खत्म हो चुकी है, ठीक है। तो ये बात का आप ध्यान रखेंगे, और अपने प्रिपरेशन लेवल के हिसाब से आप फॉर्म भरिए। सभी का फॉर्म मत भरिए, अगर एग्जाम आपके नजदीक है तो, मतलब अच्छा गैप होना चाहिए इन एग्जाम्स के बीच, तब आप सभी फॉर्म भर सकते हैं, नहीं तो एक भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यही था इंफॉर्मेशन आज के वीडियो में, और अगर आपके कुछ डाउट होंगे तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे बता सकते हो, ठीक है। ऑल द बेस्ट।